नमस्कार द लाइव इंडियन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रवि शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पल्स पोलियो एवं गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले टीकाकरण में मध्य प्रदेश के दतिया अभी पिछड़ा हुआ है। शासन की मंशा के अनुरूप 100% टीकाकरण लक्ष्य हासिल करने की जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार दतिया में कार्यक्रम इंद्रधनुष का शुभारंभ आज से किया गया। कार्यक्रम इंद्रधनुष के तहत नौनिहालों एवं गर्भवती महिलाओं को टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में टीकाकरण 79.8% है। शासन की मंशा 90% टीकाकरण लक्ष्य प्राप्ति की है। जिला कलेक्टर संजय कुमार एवं CMHO R.B. कुरेले ने आज स्वास्थ्य अमले की पूरी टीम के साथ अभियान इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पल्स पोलियो में दवा पिलाने का लक्ष्य 3150 है और गर्भवती महिलाओं को विटामिन सहित टीकाकरण किए जाने का लक्ष्य 719 है। कलेक्टर संजय कुमार ने अभियान इंद्रधनुष के तहत कई नौनिहालों को पोलियो की दवा पिलाए और गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक विटामिन सहित टीकाकरण की दवाएं वितरित कराए। इस मौके पर कलेक्टर ने सभी को दिशा निर्देश भी दिए कि अभियान इंद्रधनुष के तहत जागरूक करने वाला यह रथ शहरी इलाकों सहित सुदूर ग्रामीण अंचलों में भी जाएगा। इस अभियान के तहत पल्स पोलियो की दवा एवं गर्भवती महिलाओं को लगाए जाने वाले टीके के लिए उन सभी को प्रोत्साहित किया जाएगा और टीकाकरण समय अवधि में लगवाए जाने की समझाइश दी जाएगी। वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम, बच्चों के वैक्सीनेशन का काम कम हुआ होता है। तो एक्चुअली जो है ना, ये अपने संभाग में 3 जिलों में कम था। ग्वालियर में भी कम है, यहाँ पर भी और भिंड में, तो 3-4 जगह इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। हालांकि हमने जो है, जब ये मिशन इंद्रधनुष आया उससे पहले कैश अप राउंड करा के काफ़ी कुछ उसको कवर किया है, फिर भी जो बच्चे छूटे रह गए उनको सबको वैक्सीन लगाने का काम, पोलियो और विटामिन ए, ये सब वैक्सीन लगाना रूटीन।